रेस में अगर दो घोड़े हैं, ठीक है, अगर दोनों दौड़ते हैं तो उसमें एक विनर है और एक लूजर है, तो उस विनर और लूजर में डिफरेंस कितने का है, कितना फासला है? सिर्फ एक कदम का। आप एक इस बात दो से एग्री कदम। करते हो? यस रेस सर, में यस सर, जीतने वाला घोड़ा और हारने वाला घोड़े में सिर्फ एक कदम की दूरी होती है, एक कदम का बिल्कुल फासला होता है। और ऐसा नहीं होता है कि जो एक कदम पीछे है उसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रैक्टिस किया होगा। अब ऐसा भी नहीं है सर, कि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो विनर बन सके, सिर्फ एक कदम पीछे होने से उसका टैगलाइन बदल गया, विनर और लूजर। आप सिंपल मेरी बात समझो, जब कोई एग्जाम में कोई टॉपर होता है, नंबर वन रैंक लाता है और कोई नंबर टू रैंक लाता है, आपको क्या लगता है कि दोनों के नॉलेज में क्या डिफरेंस होगा? नंबर वन रैंकर और नंबर टू रैंक जो लाया, आपको लगता है कि उन दोनों की नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा? नहीं सर, हमें तो लगता नहीं है सर, कि दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, दोनों ही यस सर, बराबर हैं, इंटर होता है। है ना? नाम का फर्क है, नंबर वन नंबर टू। तो आप समझो कि ये वाला जो टैग है ना, एक कदम आपसे कोई अगर आगे है तो वो विनर होगा, आप एक कदम भी पीछे हो ना तो आपके पास जो टैगलाइन मिलेगा वो लूजर का मिलेगा, विनर का नहीं मिलेगा। विनर बनना है तो सबसे आगे निकलना पड़ेगा। तो आपको ये बातें समझ आ रहा है कि इस दोनों में कोई बहुत ज्यादा यस डिफरेंस नहीं है? अगर आप अपनी सर, सोच को बढ़ा कर देखते हो कि रेस में जीतने वाला दोनों रेस में जीतने वाला घोड़ा विनर कहलाता है और एक कदम पीछे जो घोड़ा खड़ा है वो लूजर कहलाता है, एक कदम का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप समझ लो कि विनर और लूजर में क्या डिफरेंस है और कितना बड़ा डिफरेंस है। आई बात समझ? यस तो सोचो कि ये कंपटीशन कितना फास्ट है, अगर आप एक कदम भी पीछे रह गए तो आप लूजर बन जाओगे। विनर बनना है तो आपको हर चीज पे ध्यान रखना होगा, एक कदम किसी से पीछे नहीं और ना ही कदम मिलाकर चल सकते हो, कदम को आगे बढ़ाकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप विनर नाम लोगे और नहीं तो लूजर की कैटेगरी में रहोगे।